वोटिंग से पहले ही खाली हाथ हो गई बीजेपी। अब किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा? जी हां, 24 घंटे के भीतर बीजेपी के तीन बड़े प्रोप गेंडा फेल हो गए हैं। यही वे मुद्दे हैं जिनके आधार पर बीजेपी पूरा इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा ईडी का था। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने आरोपी नेताओं को टिकट दी है। इनमें धर्म सिंह, छोकर राव दान सिंह और सुरेंद्र परवाल शामिल है। जैसा कि हर राज्य में होता है, हरियाणा में भी चुनाव के मौके पर अचानक से ईडी सक्रिय हो गई थी। सुरेंद्र पवार को तो ईडी ने गिरफ्तार भी कर दिया था, लेकिन बीजेपी का यह दाव कोर्ट में औंधे मुंह गिर गया और सुरेंद्र पवार को कोर्ट ने ठीक वोटिंग से पहले बरी कर दिया। पूरे हरियाणा में बड़ा संदेश यह गया कि बीजेपी साजिश के तहत विपक्ष के और खास तौर पर ओबीसी समाज के नेताओं को फंसा रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र पनवार, राव दान सिंह और धर्म सिंह छोकर तीनों ही ओबीसी समाज के नेता है। बीजेपी का दूसरा एजेंडा उसी वक्त फेल हो गया था जब कुमारी सैलजा ने भाजपा में जाने से साफ इनकार कर दिया। भाजपा पिछले कई दिनों से अपने सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए पूरे हरियाणा में यही मैसेज भेज रही थी कि 25 तारीख को सैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएगी, लेकिन सैलजा ने एन मौके पर बीजेपी के इस झूठ की हवा निकाल दी। तीसरा बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा भर्ती और पर्ची खर्ची का था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले बयान भी दिए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे नेताओं से किनारा किया और इसे पार्टी लाइन के विरुद्ध बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने तो बयान भी जारी किया और अपने सोशल मीडिया के ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा कि कांग्रेस सरकार में भर्तियां सिर्फ पारदर्शिता, मेरिट और पेपर योग्यता के आधार पर होगी, यानी एक एक करके भाजपा के ये तीनों बड़े एजेंट धाराशाही हो गए। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि आगे का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने कौन से काम करवाए ये बताने के लिए पार्टी तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि 9.5 साल जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी उन मनोहर लाल खट्टर का भी नाम लेने को तैयार नहीं है